वालेकुम एंड माई स्टेटमेंट इज इस स्टेटमेंट में मैंने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैंने कि हमारे हमने अपनी यूज़र से एक इनपुट लेनी है सैलरी की, उसकी सैलरी कितनी है और उसकी बेस पे हमने इनकम टैक्स निकालना है। उसका इनकम टैक्स जो हमारी आउटपुट होगी उसमें इनकम टैक्स, उसकी सैलरी और उसकी नेट सैलरी शो करानी है। अगर तो हमारी सैलरी 30,000 से अबव है तो क्या इनकम टैक्स 20% होगा डिडक्ट? अगर 20 और 30,000 के दरमियान में है तो फिर 15% टैक्स, और अगर 20 से बिलो है तो 10% टैक्स होगा। अब मेरे पास ये प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्कैनर, एक मैंने एक पब्लिक क्लास ली है इनकम टैक्स। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर, पब्लिक क्लास स्टैटिक वॉइड मेन है, स्कैनर न्यू ऑब्जेक्ट। स्कैनर हम कभी यूज़ किया, हमने अब यूज़र से इनपुट लेनी है तो मैंने इसके स्कैनर यूज़ किया, और इसके लिए जो पैकेज है इसका वो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर है, वो इम्पोर्ट करने के लिए यूज़र से। उसके बाद मैंने सिस्टम से अपनी ये यूज़र से एक वो कराई है, यूज़र से इनपुट करानी है सैलरी, इसमें क्या मेरी सैलरी आ जाएगी इंट में। उसके बाद मैंने डबल कर दी है टैक्स और नेट सैलरी, मतलब कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मेरी अब इफ एल्स इफ और एल्स की कंडीशन लगा दी है, अगर मेरी सैलरी है 30,000 से अबव तो क्या उसका टैक्स पड़ेगा, सैलरी मल्टीप्लाई बाई 0.02 होगा, नेट सैलरी निकल आएगी सैलरी माइनस टैक्स। इसी तरह अगर मेरी सैलरी है 20,000 से और 20,000 से अबव तो फिर क्या टैक्स है, सैलरी स्टैटिक 0.15। इसी तरह एल्स में अगर मेरी टैक्स, अगर मेरी सैलरी बिलो है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, अगर मेरी सैलरी 20% 20,000 से भी बिलो है तो उसने क्या करना है, ये थर्ड वाला कर देना है। उसके बाद मैंने प्रिंट करा दी है सैलरी, इनकम टैक्स और नेट सैलरी, तीनों चीज़ें, फिर उसके बाद मेरी प्रिंट हो जाएंगी। इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया, रन करने में सबसे पहले उसने मुझसे अपने यूज़र से हमने क्या लेनी थी सैलरी, यूज़र से सैलरी मैंने ली 35,000, 35,000 ली, उसने सैलरी भी बता दी, उसका इनकम टैक्स भी बता दिया और उसकी नेट सैलरी भी बता दी। बस यही था मेरा।